जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि दोस्तों एसुस पिछली बार किया था एसुस 8Z के साथ, वो मार्च में लॉन्च होने वाला था 2021 के, लेकिन वो लॉन्च हुआ 2021 के सितंबर में, डिले होते 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 तो आज का डेट आया था कि आज एसुस 9Z लॉन्च हो जाएगा, एसुस ज़ेनफोन 9, लेकिन अब वो डिले हो गया है। अब वो थर्सडे को लॉन्च होगा, इसी हफ्ते के थर्सडे को, तो देखते हैं भैया। आई होप सो कि लॉन्च हो जाए, फिर डिले ना हो जाए। साहिल करोल गए हैं ये इन्फॉर्मेशन देख लो, कल भी वही कहे थे, आज भी वही कहे, वो भी फंस गए बेचारे कि जो बोले थे वो हो नहीं पाया। आई होप सो कि इस बार हो जाए। iQOO Z6 सीरीज के स्मार्टफोन्स में आपको iQOO Z6 X भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा 25 तारीख को, जिसमें आपको 6000 mAh बैटरी मिल जाएगा, 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और iQOO Z6 में Qualcomm Snapdragon 720 8G प्लस होगा, और वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वेल, मैं आपको बताना भूल गया, iQOO Z6 X में आपको MediaTek Dimensity 1300 का प्रोसेसर मिल जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे सुफियान भाई, इंडिया में तो iQOO Z6 सीरीज के फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो ये फोन कौन से नाम से आएंगे? मैं आपको बता चुका हूँ, Vivo T2 सीरीज के नाम से ये आ सकते हैं, अदरवाइज Vivo ले ही आएगा इनको नाम चेंज करके, टेंशन मत लो, आ जाएंगे ये इस साल के एंड तक। मैं बताता रहूंगा, पहले इनको लॉन्च हो जाने दो। Oppo A57 4G और Oppo A54 5G, ये दो नए स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे, आज IMEI डेटाबेस पे पकड़े गए हैं, मॉनिकर्स इनके कंफर्म हो चुके हैं। रूमर्स की मानो तो अगले महीने ये अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च हो जाएंगे। आई होप सो ये ऑल टुगेदर नए फोन हो, Oppo नाम चेंज करके इनको लॉन्च ना कर दे, जानते तो हो Oppo का कैसा स्टाइल है, एक ही फोन को 50 नाम से लॉन्च करता है। ये वाला अपडेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस साल के एंड में Qualcomm का टेक समिट इवेंट हो जाएगा नवंबर के मंथ में, तो ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि उस इवेंट में 7 प्लस जेन 1 प्रोसेसर को भी Qualcomm अनवील कर देगा, जो 7 जेन 1 का सक्सेसर होगा। अब ऐसे ही रूमर्स आए हैं और ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा फाड़ू और वैल्यू फॉर मनी होगा। आई होप सो यार कि 7 जेन 1 इंडिया में आ जाए, अभी तक 7 जेन 1 का कोई भी फोन आया ही नहीं है। फोन्स लॉन्च तो होते हैं 7 जेन 1 प्रोसेसर के साथ, जब वो इंडिया में आते हैं तो ब्रांड्स प्रोसेसर ही चेंज कर देते हैं। लेके आओ यार Qualcomm, लेके आओ यार स्मार्टफोन ब्रांड्स। Samsung Galaxy A04s के ऑफिशियल रेंडर्स और की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो। पहली बात, आपको फोन ऐसा दिखाई देगा, देखने में अच्छा लग रहा है, Samsung का क्लासिक डिजाइन है, क्लासिक सिग्नेचर लुक, क्लासिक कलर्स, तो भाई यहाँ पर कुछ नया तो बोल नहीं सकते हैं। आप बताना आपको कैसा लग रहा है देखने में, बस यही कह सकता हूं मैं। और जितने भी की स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं आपको साइड में दिखा दूंगा, देख लेना, अच्छे स्पेक्स दे रहा है Samsung के प्रोस्पेक्टिव से, कह रहा हूं। अब Samsung के फोन्स तो ऐसे ही होते हैं, अब उसमें क्या ही जज करेंगे हम लोग। इसका प्राइस होगा 10,000 रुपए के आसपास, कुछ इसके बारे में पता चलता है तो बताऊंगा मैं। वेल, रूमर्स ऐसे हैं कि अगले महीने ये लॉन्च हो सकता है। वेल, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगस्त के मंथ में Samsung Galaxy A13 5G और A23 5G ये दोनों फोन लॉन्च हो जाएंगे, आज ताइवान में लॉन्च हो चुके हैं, देख लो, सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अच्छे स्पेक्स दे रहे हैं, अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुए हैं, Samsung के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूं। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सुफियान भाई आप तो बहुत तारीफ कर रहे हो, क्या बात है भाई, Samsung के फोन है यार, Samsung का यही स्टाइल है, क्या कर सकते हो। अब Samsung तो Samsung है, Apple तो Apple है। अब रहा सवाल कि ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, रूमर्स की मानो तो अगले महीने के मिड तक दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन तो इंडिया में आ ही जाएगा, रूमर्स ऐसे हैं। कुछ पता चलता तो बताता हूँ। Infinix Zero 5G, इसका ऑफिशियल डिजाइन बाहर निकल के आ गया, देख लो, आपको ऐसा दिखाई देगा, Infinix के तरफ से आने वाला नया मिड रेंज 5G स्मार्टफोन, बहुत ही अच्छे स्पेक्स ये प्रोवाइड करेगा, रूमर्स तो ऐसा ही है, और ये देखने में मेरे को Oppo के स्मार्टफोन्स का याद दिला रहा है, आपको लग रहा है क्या, कमेंट करके बताना। वेल, ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द अगले महीने अफ्रीकन मार्केट्स में डेब्यू करेगा। Oppo का बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, Oppo डेवलपर कॉन्फ्रेंस, इसी महीने के 30 तारीख को हो जाएगा, और ये इवेंट बहुत ज्यादा ऑसम होता है। Oppo अपने अपकमिंग टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करता है, नए नए प्रोटोटाइप्स को शोकेस करता है, और भी बहुत कमाल धमाल वाला काम करता है, अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का अनाउंसमेंट भी कर देता है। कुछ अगर पता चलेगा इसके बारे में तो बताऊंगा, इस इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ बताएगा, आई होप सो। ये वाला अपडेट सुनने से पहले एक जगह आराम से बैठ जाना, क्योंकि ये अपडेट सुन के आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हो, या फिर आप चौंक सकते हो कि कैसे हो सकता है ये। Samsung आज अपने Neo OLED डिस्प्ले वाले स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है, 98 इंच का है, कह सकते हो 100 इंच का टीवी है। इसका प्राइस जानते हो कितना है? 27 लाख रुपीज, 27 लाख रुपए। सत्ताईस लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है यार, एक बहुत अच्छा घर बन सकता है, एक बहुत ही महंगी कार आ सकती है, एक क्या बहुत सारी आ जाएंगी, एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तुम लोग बताओ 27 लाख रुपए में तुम लोग क्या करोगे, इस टीवी पे पैसा खर्चा करोगे कि एक बिजनेस बैठाओगे, कमेंट करके बताना। Amazon का ग्रैंड गेमिंग सेल चालू हो चुका है, 24 तारीख तक चलेगा, तो आपको कोई भी गेमिंग लैपटॉप्स, माउस या फिर कुछ भी गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने थे, ग्राफिक कार्ड्स,
कोई पीसी बिल्ड करने के प्रोडक्ट्स, प्रोसेसर्स, कुछ भी, आपको बहुत अच्छा वहां पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ चेकआउट करो अमेजोन पे जल्दी से। देखो यारो, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, पोको M5S इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। पोको M5 ही केवल लॉन्च होगा हीलियो G99 के साथ, ठीक है? और ये बहुत ही जल्द अगले महीने के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन है। नथिंग फोन 1 में एंड्रॉइड 13 का अपडेट कब मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो बीटा टेस्टिंग चालू तक नहीं किया है। तो भैया आज ऑफिशियली पता चल गया है, जून के आसपास, अगले साल के हाफ यानी कि जून मई के आसपास तक आपको एंड्रॉइड 13 का स्टेबल अपडेट डायरेक्ट मिलेगा, नहीं तो उसके बीच में काल पे बीटा टेस्टिंग करवाएंगे और क्या। अगले साल जितने भी प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर रिलीज होंगे, चाहे किसी भी ब्रांड की तरफ से, क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, चाहे गूगल की तरफ से, ज्यादातर प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर UFS 4.0 के स्टोरेज टाइप को और LPDDR5X रैम टाइप को सपोर्ट करेंगे, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। देखो यारो, अगले साल ये जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं नए वाले, प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर्स तक ही सीमित रहेंगे, फिर धीरे-धीरे वक्त के साथ-साथ ये मिड रेंज फ्लैगशिप तक आएंगे। अभी तक तो LPDDR5 रैम टाइप अपने को देखने को नहीं मिलता है 20,000 रुपए के आसपास, सोच के देखो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, उस साल के एंड तक UFS 3.1 का शो सपोर्ट और LPDDR5 रैम टाइप अपने को 20-15,000 रुपए के भी फोन्स में देखने को मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। iPhone 14 सीरीज के iPhones आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे पकड़े गए हैं, तो बात एकदम क्लियर है यार, क्योंकि अभी 2 हफ्ता ही बचा है, केवल मुश्किल से 2 हफ्ता बचा है, iPhone 14 सीरीज के नए iPhones लॉन्च हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे सर्टिफिकेशन को क्लियर करेंगे। तो बस भाई, एकदम करीब में है ये नए iPhones। iQOO Z6 Lite और iQOO Z6 Pro SE, ये दोनों स्मार्टफोन्स आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। Probably next month तक ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से जो iQOO Z6 Pro SE 5G है ना, वो iQOO Z6 सीरीज के स्मार्टफोन्स को बिलोंग करता है, जो 25 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। खैर, कुछ पता चलता है तो बताऊंगा मैं। Vivo का Y33T, ये महान स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि IMEI डेटाबेस पे पकड़े गए हैं। वैसे यार, Vivo से याद आया, कल मैं Vivo के 4 फोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जो लॉन्च हो चुके हैं, 1 हफ्ते पहले लॉन्च हुए थे सारे स्मार्टफोन्स। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। Samsung Galaxy A04 आज अनाउंस हो चुका है। प्राइस नहीं बताया Samsung, लेकिन पूरे ऑफिशियल रेंडर, स्पेसिफिकेशन सब बाहर आ चुके हैं, देख लो। वैसे स्पेक्स काफी अच्छे हैं यार, Qualcomm Snapdragon 695 के साथ है, रूमर्स ऐसे हैं, क्योंकि ऑक्टा कोर ही केवल लिखा हुआ है Samsung के वेबसाइट पे, तो सब लोग तो कह रहे हैं कि Snapdragon 695 है। अगर ऐसा हो गया ना यार, तो मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ऑक्टा कोर लिखा है तो Exynos का ही कोई ना कोई प्रोसेसर होगा। वैसे आप बताओ, आपको ये फोन कैसा लग रहा है, स्पेक्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताना। Asus ROG Phone 6D, ये एक नया फोन होगा Asus ROG Phone 6 सीरीज के अंदर में। अगले महीने तक ये लॉन्च हो जाएगा ताइवान में, नहीं तो चाइना में। MediaTek Dimensity 9000 प्लस प्रोसेसर होगा, 165Hz रिफ्रेश रेट, 50MP का प्राइमरी कैमरा, सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के साथ, 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, ऐसे रूमर्स हैं, और काफी कुछ हद तक सेम स्पेक्स प्रोवाइड करेगा जो Asus ROG Phone 6 सीरीज के फोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। वेल, इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो आपको मैं बताता रहूंगा। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत गर्मी है यार।